और अब धौलपुर से खबर, जहां जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है और अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। निचले इलाके के घरों में पानी भर गया है, बेड पर बैठकर रात गुजार रहे हैं लोग। बारिश की वजह से घरों में खाना नहीं बन पाया, दूसरी जगह से खाना मंगाकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और कैसे इन लोगों ने रात गुजारी होगी, कैसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बड़ी परेशानी। बारिश की वजह से घरों में खाना तक नहीं बन पाया, बाहर से खाना मंगाकर खाने को ये लोग मजबूर। और ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं। पूरे घर में पानी भर चुका है। जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परेशानी इन लोगों को हो रही है। बाहर जब हम निकलते हैं बारिश की वजह से, वहीं परेशान हो जाते हैं, और घर में आते हैं तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब अपने ही घर में इतना पानी भर जाए तो आखिर कोई कैसे रहे। धौलपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां निचले इलाके के घरों में भी पानी भर गया है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए धौलपुर से हमारे सहयोगी संतोष राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो वाकई देखने को मिल रहा है कि कितनी परेशानी इन लोगों को हो रही है, और क्या फिलहाल वहां से तस्वीरें हैं, क्या हालात वहां पर है, कई जगह टापू पर लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें धौलपुर से, जहां जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले में हालात ऐसे हैं कि स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या पूरी जानकारी, देखिए तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, फिलहाल कैसे हालात हैं वहां पर? संतोष, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी संतोष, अब जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या हालात फिलहाल वहां पर हैं। जी आपको बता दूं कि धौलपुर में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धौलपुर की लगभग एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलभराव हो गया है कॉलोनियों में, और इस वक्त हम खड़े हुए जगन चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी यहां पर पानी भरा हुआ है, लगभग 3 फीट बारिश का पानी भरा हुआ है। यहाँ जो निचले इलाके की बस्तियां हैं उनके घरों में पानी भर गया है। पानी की वजह से रात के अंधेरे में भी लोग बाग सो नहीं पाए हैं। यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी काफी परेशानी हुई है उनको, क्योंकि बारिश की वजह से घरों में पानी भर जाता है तो खाना नहीं बना पाते। हमारे पास साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना उनका। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम, क्या परेशानी हुई है पानी? रात में सो नहीं पाए तो पानी भर गया नीचे घर में, कहाँ पर जगते जगते हो गया। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई पानी लगाने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं पानी लगाने। क्या नाम है आपको? धौलपुर में कब से बारिश हो रही है और क्या परेशानी आ रही है? 3 दिन हो गए 48 घंटे करीब बारिश हो रही है, सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी चले गया, पानी यहाँ पे नालों में कोई सुविधा वगैरह, पानी निकालने की कोई वो नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बारह मासी की, आज से नहीं 12 मासी की, हर महीने की रोज की परेशानी है। 24 घंटे गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में पानी 24 घंटे भरा रहता है, मगर कोई प्रशासन ना सुनने आए ना कोई ध्यान दे रहा है। हम काफी बार द्वार लगा चुके हैं, मगर सबसे कह चुके हैं, मगर कोई ध्यान नहीं है। सब आश्वासन दे जाते हैं, मगर कोई भी ये नहीं है कि 1% हम काम करने यहाँ पे आ रहे हैं। ना कोई विकास है, ना सफाई है, यहाँ ध्यान नहीं है। हाथ जोड़ के हम पकड़ के सब करके कोई सुनवाई नहीं। जी आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नाले भी चौक पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनके घरों में पानी भर रहा है। और बारिश की बात की जाए तो 48 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। पार्वती बांध है वो भी फुल हो चुका है। पार्वती बांध के भी सुबह 8 गेट खोल दिए गए हैं। इसके बाद कल रात को भी बारिश की वजह से डाबरी का पूरा गांव है वहां पर 13 लोग फंस गए थे, जिसको देर रात प्रशासन ने रेस्क्यू कर वहां से सुरक्षित निकाला है।